उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। शुरुआत में बताया गया था कि सपा की ओर से डिंपल यादव राज्यसभा जा सकती हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को सपा ने राज्यसभा का टिकट दिया है। जयंत चौधरी सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। सपा ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। इससे पहले सपा ने जावेद अली और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल को अपना प्रत्याशी बनाया है। सिब्बल ने निर्दलीय पर्चा भरा है, उन्हें सपा समर्थन भी कर रही है। कल तक ये लगभग तय था कि डिंपल यादव का राज्यसभा जाना तय है और वह गुरुवार को अपना नामांकन करेंगी, लेकिन कपिल सिब्बल के निर्दलीय प्रत्याशी बनने के बाद हालात बदलने लगे और चर्चा आरएलडी के खेमे में शुरू हो गई। जयंत चौधरी को एक बार फिर धोखा मिला है। यूपी के सियासी गलियारे में कई अटकलबाजी भी शुरू हो गई है।